जी नमस्कार, मैं आपका अपना राजन राय। देखिए, 26 तारीख को उत्तर प्रदेश में चुनाव है और जो आज हमारे साथ खास मेहमान है वो भूतपूर्व 5 साल उस पद पर रहे भी हैं, तो एक अनुभव भी है और जनता ने उन्हें चुना भी है, और इसलिए दोबारा वो चुनाव लड़ने की तैयारी करें। 26 तारीख को चुनाव है, आइए पूछते हैं कि किन किन मुद्दों को लेकर वो अपनी जनता के बीच में जाएंगे और किन मुद्दों पर वो काम करेंगे। इस बार वो कौन से अधूरे काम रह गए थे जो इस बार वो सफल हो गए। श्रीमान जी नमस्कार। सर, सबसे पहले आपके न्यूज़ को आप उसका परिचय बताइए। मैं अमित कुमार, ग्राम रोजाना, भूतपूर्व प्रधान, विकास सर्वोच्च जिला। अच्छा सर, आपसे मैं क्या बात कहूँ, मतलब आपने 5 साल एक पद संभाला प्रधानी का, और पहले तो बताइए इन 5 साल में गांव कितना डेवलपमेंट हुआ। हमने 25-30 गली लगवाई है गाँव से, लाइटें लगवाई है स्कूलों में, इंटरलॉकिंग बैठ बच्चे उसमें बैठ कर आर सी सी बच्चे नीचे बैठते थे स्कूल में, उनके लिए ब्रांच गिरवाई बेंच पर बैठते हैं अब, और वाटर कूलर स्कूलों में व्यवस्था, शौचालय बनवाए, सामुदायिक शौचालय बनवाया, गौशाला बनवाई है। तो क्या मैं वहाँ जाकर एक बार देख सकता हूँ? हाँ जी, क्यों नहीं। अच्छा, जाकर आप देखो, गौशाला है, 55 गाय हैं उसको, उनकी सेवा कर रहे हैं जी। आपकी देख ये तो है 5 साल। अब बात करते हैं आने वाले कल की। अच्छा, इन 5 साल में जब आपने कहा कि बहुत सारा काम आपने किया है, तो इस बार कौन से काम अधूरे रह गए और किन किन मुद्दों पे आप काम करेंगे? देखिए, कुछ खड़ोजी नाली रह गई है, बाकी काम जो होगा वो लाइब्रेरी बच्चों की शिक्षा के लिए, जैसे लाइब्रेरी और जिम की व्यवस्था करी जाएगी, बच्चों खेल ग्राउंड का खेल मैदान बनेगा, क्योंकि नौजवान से बात कर रहा था लड़कों से, तो उनका कहना है कि खेल मैदान को लेकर हमारी नाराजगी है, क्या इस बात में वास्तविकता? हाँ जी, कुछ तो हमने वो करा है, उसमें ट्रैक बनवाया है, लाइटें लगवाई है की जगह जी जी, अब की बार हम उसकी 4 दीवारी करवा के उसमें और अच्छे जिम का निर्माण करवाएंगे। सब कोई भी जाए फ्री होगा। अच्छा, 5 साल राशन है, सरकार ने कटवा दी, जो लोग मतलब वैसे थे जो पात्र नहीं थे, तो उनकी भी थोड़े लोगों ने बताया कि कोई ये कार्ड कटवा दिए प्रधान ने, जबकि हमारा तो कोई वो नहीं है। मैं उसी मुद्दे पे आपसे बात करना चाहता था, लेकिन आपने डायरेक्ट बात कर दी। हाँ जी, कुछ लोगों का कहना है कि राशन हमें नहीं मिला, तो मतलब लेकिन आपने वो बात अपने मुँह से स्वीकार कर। राशन क्या है, राशन हमारी कहीं टंकी में तो जाता नहीं, अब घर से जा रहा है, हमारे सरकार से आ रहा है, हम क्यों कर कटवाएं, क्यों हम उसमें किसी का गलत करेंगे, ये तो सरकार का है। जब उन्होंने डबल बांटा तो उन्होंने कार्ड आधे कर दिए। अच्छा, तो सरकार की देन है सर। लेकिन इस बार अगर आप जनता आपको चुनती है तो हो सकता है कि वो समस्या भी खत्म हो जाए। हाँ जी, उनके कार्ड बनवाए जाएंगे, जो पात्र हैं, जो अपात्र हैं उनके लिए, मतलब आप सही के साथ गलत के साथ। अच्छा, वृद्धा पेंशन को लेकर आपने कोई योजना बनाई? वृद्धा पेंशन बनवाई है तो 10-5 बनी है, लेकिन उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वे पूरे नहीं दे पाते हैं वे लोग, तो इस बार आपका ये जो काम अधूरा रह गया था पूरा हुआ वृद्धा पेंशन का? हाँ जी, पूरा। अच्छा, शिक्षा को लेकर अभी आप कह रहे थे कि RCC करवाया, क्या उस शिक्षा को लेकर आपने कुछ और रूपरेखा बनाई कि शिक्षा और बेहतर होगा? शिक्षा के लिए लाइब्रेरी का आपके पास लाइब्रेरी बनवा रहे हैं, देखो लाइब्रेरी बनवाएंगे, और पिछले उसमें भी अपने कार्यकाल में एक 5-6 मतलब लोगों ने मिलकर एक वो बनाई थी अपनी संस्था से, एक संस्था बनाई थी जो निःशुल्क बच्चों को ट्यूशन देते थे, टीचर हायर किए थे हमने, तो निःशुल्क थी उसमें बच्चे पढ़ते थे, उसमें सब में तो 100 ही बच्चे थे, फिर धीरे धीरे कम हो गए, फिर आना ही बंद कर दिया कोरोना। कोरोना से पहले ही फ्री की शिक्षा भी नहीं चाहते लोग। अच्छा, लेकिन आपने अपना फर्ज पूरा किया। हाँ जी, उसमें से एक दो बच्चा सेलेक्ट भी गया। अच्छा, भी गया। अच्छा, अब शिक्षा मुख्य बात करेंगे कि सफाई, क्योंकि जब मैं गांव में प्रवेश किया तो सड़कें बड़ी अच्छी थी, चारों तरफ मुझे सफाई दिखी, क्या 5 साल में आपने सफाई पर कुछ ज़्यादा जोर दिया? सफाई पर तो जोर दिया है, जो सफाई कर्मचारी होता है उसकी ड्यूटी ज़्यादातर बाहर ही लगाते हैं, जिले पर लगाती कभी कभी कई बार, लेकिन हमारा जो इधर है एक दो बस्ती में उसका पानी हमने तालाब में बचाया, एक साइड का रह रहा है वो भी, अब के बाद इस बात हाँ सही हो जाएगा।
अच्छा सर, मैं सिर्फ आखिरी बात की आपसे पूछना चाहूँगा, 26 तारीख को चुनाव है, क्या R3N न्यूज़ के माध्यम से अपने गाँव वासियों से 26 तारीख को स्पेशल जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे, संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो हमारा ये है कि शांति से अपना चुनाव करें, सब अपनी अपनी वोट शांति से फर्जी काम ना करें, हमारे तरफ से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, चुनाव में झगड़ा नहीं होना चाहिए, देखिए अंकित जी का कहना है जिस दिन 26 तारीख को आप अपने घर से निकले, अगर उनकी गांव वापसी इस बात को हमारे चैनल के माध्यम से सुनते हैं तो उस बात को फॉलो करें, फोन घर पे रखें, मास्क लगा के जाए, सोशल और 2 गज की दूरी बनाए रखें, सैनिटाइजर हो सके तो अपने पास रखें, क्योंकि ये बीमारी बहुत बड़ा रूप लेती जा रही है धीरे धीरे। अब ये जनता तय करेगी कि 2 मई को क्या रिजल्ट निकल के आता है, लेकिन अंकित कुमार जी ने एक बात कही, अमित जी ने एक बात कही कि वोट जरूर दीजिए, और अब ये जनता तय करेगी 26 जो अप्रैल को चुनाव हो रहा है कि अमित जी क्या दोबारा विजय होते हैं नहीं होते, जनता का फैसला है। अमित जी का सिर्फ यही कहना है कि आप वोट दीजिए, लेकिन एक पढ़ा लिखा अच्छा अनुभवी जनिक प्रतिनिधि ये काम कर सकते हैं नहीं कर सकते, ये भी जनता का फैसला है कि दोबारा चुनती है या नहीं चुनती, एक नया परिवर्तन होगा। इसी के साथ दूंगा मैं इजाजत, फेस वार्ता कैमरे हमारे विचार और आपके, लेकिन शुरू में जो बात हुई थी मैं उन स्कूलों में भी लेकर चलूंगा और उन सड़कों को भी दिखाऊंगा और कुछ लोगों से भी मिलवाने की कोशिश करूंगा कि अमित जी के बारे में लोगों की क्या राय है और क्या वास्तविकता में 5 साल में गांव में डेवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ, क्योंकि अमित जी ने कहा आप जाइए और देखिए, आइए वहाँ आपको लेकर चलता हूँ दिखाता हूँ। नमस्कार, मैं राजन भाई हूँ, R3F न्यूज़ में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है, और मैं हूँ इस वक्त बलसोना उत्तर प्रदेश मेरठ विकासखंड। देखिए अभी हमारी बात हुई अमित जी से, अमित जी ने कहा कि 5 साल में मैंने अपने गांव में बहुत डेवलपमेंट किया और आप जाके लोगों से पूछिए देखिए। एक सज्जन है जो यही रहते हैं इसी गांव में, उनसे पूछते हैं कि अमित जी ने वास्तविकता में इस गांव में काम करा है या नहीं करा। सर सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुधीर कुमार है, गाँव का नाम बलसोना। अच्छा, अमित जी ने कहा भी हमसे कि 5 साल में गाँव में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है, काफ़ी विकास हुआ है सड़कों को लेकर, सफाई को लेकर, शिक्षा को लेकर, वास्तविकता में बात सच है? हाँ, वास्तविक में बात सच है, बहुत काम करवाया प्रधान जी। अच्छा, 5 साल के बाद उन्होंने जो काम किया तो किया, लेकिन दोबारा वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि दोबारा जनता को उन्हें चुनना चाहिए? हाँ, बस ठीक आदमी चुनना चाहिए, नया पता नहीं कैसा आवे, उन्हें क्या अनुभव है? हाँ, उन्हें अनुभव है इस चीज़ का। अच्छा, इनका कहना है कि अच्छे जनप्रतिनिधि है, दोबारा उन्हीं को ही मौका मिलना चाहिए, ऐसा इनका भी कहना है, लेकिन हम वो सड़क, वो स्कूल और वो जो डेवलपमेंट हुआ उसके बारे में भी आपको जानकारी दिखाएंगे। आज मैं गांव में आई हूँ और यहाँ पे अमित जी के बारे में मुझे कि अमित प्रधान जी पूर्व प्रधान रह चुके हैं और इस बार वो दोबारा प्रधान का चुनाव लड़ रहे हैं, तो यहाँ हम जानते हैं, एक सर हमारे साथ खड़े हैं, उनसे पूछते हैं कि अमित जी कैसे इंसान हैं। नमस्कार सर, सर आपका नाम? साहब सिंह। गांव का नाम? बनसोना। सर अमित जी के बारे में आपको क्या राय है? अमित जी जो है 20 साल में जो हमारे यहाँ प्रधानी हुई है, पहले इनसे 3 प्रधान जो रहे हैं उनसे अच्छे ही रहे, उन्होंने कुछ भी काम नहीं करा, एक रुपये का भी नहीं, गांव में डेवलपमेंट कुछ भी नहीं करा। पहले जो खड़ंजे लगे हुए थे जी, उनमें एक आध जगह कहीं पहाड़ के टूट लगा दी, मैं बाकी सब पैसा इधर उधर खा दिया। सर मैं जानना, इन्होंने जो है गांव में 90% गलियां जो है गांव की वे पक्की RCC भी करा दी जी, और जो है गौशाला भी बनवाई, जो भी काम अगर कोई रात को भी आता है तो उसके लिए भी तैयार। गांव में किसी का झगड़ा पगड़ा हो जाए सभी यहां का यहीं दबा दिया जी सर, गांव में कोई दिक्कत। सर आपका नाम? मेरा नाम सागर है जी। गांव का नाम? बलसोना। अभी यहीं से जी। जी सर, आप कुछ कह रहे थे? मैं कह रहा हूँ मैडम इनसे अच्छा पड़ता हूँ तो भी है। तो मैं ऐसा समझूं कि आपकी वोट या आपका साथ उनको ही इनको मिलेगा? ही है जी। इनको ही है? इनको ही है। खुल्लम खुल्ला है। चलो ये देखो बड़ी अच्छी बात है। इन्होंने कुछ ऐसा काम तो किया है गांव में जो खुल के लोग बोल रहे हैं कि मेरी वोट जाएगी तो अमित जी को जाएगी। रात को आधी रात फोन करो, आधी रात फोन करो प्रधान जी, आधी रात ही वहीं मिलेंगे। धन्यवाद।